दोस्तों, ज़ियाए हक फाउंडेशन की पेशकश आओ बात करें में आज की हमारी मेहमान है सदर शोबे अरबी फ़ारसी प्रोफेसर सालिहा रशीद साहिबा। आज उनसे हम तहकीक से मुतालिक कुछ अहम मसलों पर बात करेंगे। तरफ चलते हैं मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया। आज हम मैम से जो आज की तहकीक की सूरत हाल है और लाइब्रेरियों में किताबों की क्या सूरत हाल है और रिसर्च हमारी किस तरफ जा रही है और ख़ासकर फ़ारसी में किस तरह के काम हो रहे हैं, इस मौजू पर हम उनसे बात करने के लिए आज हमारे साथ है प्रोफेसर सालिया मैम। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि 21वीं सदी में जो तहकीक की सूरत हाल है उस पर आप क्या सोचती हैं और नई तहकीक जो है वो हमारी किस तरफ जा रही है, इस बारे में आप अपना हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। देखिए, 21वीं सदी में तहकीक के मौके बहुत हैं क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, वो हमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। बस शर्त ये है कि हम उससे कितनी मदद लेना चाहते हैं जी। और तहकीक का मामला तो ये है कि हमें, अगर हम ज़बान की बात करें, फ़ारसी लीजिए, अरबी लीजिए, उर्दू लीजिए, तो हमें अपने माजी पे निगाह डालनी ही डालनी पड़ेगी, हमें अपनी तारीख जाननी ही पड़ेगी। तो बिना हम अपनी तारीख को जाने ज़बान पर किसी भी मौजू पर तहकीक को अपनी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम अपने माजी को देखें, उसे टटोलें और वहाँ अदब की सूरत हाल क्या थी। ज़बान जब सफ़र करके आ रही है और एक नई ज़बान तश्कील पा रही है, तब ये और ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हमें जो आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया दरअसल बहुत मदद कर रहा है, हमें इसकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए और हमें इस पर काम करना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि जहाँ तक फ़ारसी का सवाल है, जैसे ही हम फ़ारसी की बात करते हैं तो हमें 2500 साल की तारीख ज़रूर उसको मुड़कर देखना पड़ता है कि हम फ़ारसी की तारीख में जाते हैं, ईरान और दूसरे खित्ते जहाँ पर फ़ारसी ज़बान पैदा हुई, बनी, वहाँ पर एक तहजीब पनपी, वहाँ पर अदब लिखा गया, उससे पहले क्या था, पहलवी में क्या था, अरबी का असर कैसे पड़ा, ये सब हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं और हम हिंदुस्तान पर निगाह डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन सब से मिल मिला कर एक नई ज़बान यहाँ पैदा हो चुकी होती है और वो है उर्दू। तो जाहिर है कि जब हम 21वीं सदी में, चाहे 20वीं सदी में, चाहे 19वीं सदी में, अगर हम तहकीक करते हैं, अदब पर काम करते हैं, किसी भी शोबे में काम करते हैं, तो हमें अपने माजी को पलट कर देखना ज़रूरी हो जाता है। तो तहकीक की दरअसल बुनियाद ही हमें रखनी होती है अपने माजी पर। और तब हम, अगर हम आज का अदब देखें, हम ये जानना चाहें कि भाई अफसाने की शुरुआत कहाँ से हुई, नॉवेल कहाँ से लिखे गए, तो अगर एक ज़बान में नॉवेल लिखा जा रहा है तो आप देखिएगा कि दूसरी ज़बान में भी उन्हीं तारीखों में, उन्हीं सदियों में, उसी ज़माने में वो अदब शुरू हुआ, तो वहाँ कैसा लिखा गया, हमारे यहाँ कैसा लिखा गया। और कभी कभी तो इतनी मुमासलत होती है सात समंदर पार के अदब में, हमारे अदब में, ही हैरानी होती है। तो मज़ेदार बात यह होती है कि जब आप सचमुच इन चीज़ों में जाते हैं, इनको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कई तहजीबें आपस में मिलती नज़र आती हैं, फिर फ़र्क भी नज़र आता है, हम उनके बारे में जानते हैं और उसकी रोशनी में फिर अपनी तहकीक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब लाइब्रेरी का मैडम ने सवाल पूछा, तो लाइब्रेरी एक अलग शोबा है, एक अलग सी चीज़ है, लेकिन जो तहकीक है उसमें उसका बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। किताबें और वहाँ पे जो मवाद है वो आपको कितनी मदद कर रहा है, हालांकि इसमें भी आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ी मदद कर रहा है और एक क्लिक पर हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। अब यहाँ एक ज़रूरत पैदा होती है कि जो मवाद दस्तियाब है आसानी से
मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुश्किल से मिल रहा है, उसे हम हासिल करें और उसे पढ़ने की कोशिश करें। अब बच्चा है जो तहकीक में आया है, तालिब इल्म है, वो कैसे पढ़े, ये भी एक मसला होता है। तो वो जो मुश्किल या मसला है वो उस्ताद हल करता है। और आजकल तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8,000 पर मंथ आपको एक स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाता है। तो चलिए आपका काम तो चलता है और आपकी ज़िंदगी का, एक रिसर्च स्कॉलर की ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल, उसके ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल उस तहकीक में सर्फ हो रहे हैं। अब उस्ताद का फ़र्ज़ है कि उसकी ज़िंदगी के वो जो 5 बेहतरीन साल हैं तो उसको वो कैसे खूबसूरती से, बेहतरीन तरीके से तहकीक में सर्फ कराए, ये उस्ताद का काम है। मैम, इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल भी आपसे यही था कि जो रिसर्च के मामले में जो उसातिज़ा है और जो रिसर्च स्कॉलर है, उनके दरमियान जो एक खलासी महसूस होती है, और क्या वजूहात है कि नई रिसर्च जो हमारी वो सामने नहीं आ रही है उस तरह से? हाँ, उस्ताद का काम है कि तहकीक का एक ज़ौक़ पैदा करना अपने तालिब इल्म के अंदर। अगर आपने सिर्फ एक काम कर दिया कि तहकीक का उसके अंदर ज़ौक़ पैदा कर दिया, तो अगला मरहला उस्ताद के लिए आसान हो जाता है। फिर वो बच्चा वो ख़ुद भाग भाग कर इतनी मेहनत मशक्क़त करता है, ऐसे नए नए मतलब मामले सामने लाता है कि उस्ताद खुद हैरान रह जाता है। तो इस तरह उस्ताद की अपनी तहकीक में इजाफा होता है। कोई याद मैम अगर आप शेयर करना चाहें, फ़ारसी में भी आप काफ़ी काम करवा रही हैं और तहकीक में आपके काफ़ी रुझान है, और आपने अपने स्कॉलर्स के ज़रिए भी कुछ अलग से भी, आप जो हमारे इदारों में जो काम होता है उससे अलग भी आप नई नई तहकीक, आपको नए जो खतूत है, जो पुरानी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना, देखना, महफूज करने का आप काम भी बहुत कर रही हैं माशाल्लाह। तो आपकी ऐसी कोई याद जो आपके स्कॉलर ने आपको हैरान कर दिया हो या कोई नई चीज़? मैं इस पर जितना मैं करना चाहती हूँ, मुझे मेरे शोबे में उतना वक्त शायद नहीं मिला या वो चीज़ें नहीं फराहम हो सकी, लेकिन मेरी दो बच्चियां हैं और यहाँ पर इस चीज़ का रिवाज नहीं था कि मखतूते पर तहकीक की जाए, और हमारे यहाँ आर्काइव्स है जिसमें मखतूतों का अंबार लगा हुआ है। फ़ारसी मखतूते हैं, अरबी मखतूते हैं और उर्दू मखतूते हैं, और हमारी जो अदालतें हैं उनकी दस्तावेज़ है, और बहुत बेशकीमत वो सारे कागजात हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए। अब जो लोग अरबी से वाकिफ़ हैं, फ़ारसी से वाकिफ़ हैं, उर्दू से वाकिफ़ हैं, अगर वो उधर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? सही बात। और अगर आप तवज्जो नहीं देते तो ये इतनी नाजुक चीज़ें हैं, कागज़ ख़राब हो रहे हैं, किताबें बेकार हो रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, और उनकी हिफाजत पर ज़ाहिर है कौन ध्यान देगा? तो बेहतर है कि आप पढ़ लीजिए, उन्हें महफूज करा दीजिए, खुद लिख लीजिए। ये काम हमारा है, हमारी ज़िम्मेदारी है अगर हम महसूस करें। और आज 21वीं सदी में तहकीक चाहे जितनी आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी कदीम चीज़ों को, इन दस्तावेज़ात को महफूज रख कर लेना ज़रूरी है। ये ज़िम्मेदारी हमें समझनी चाहिए। तो फ़िलवक्त मेरी दो बच्चियां इलाहाबाद आर्काइव्स में दो मखतूतों पर, वो तारीख़ी मखतूते हैं, उन पर काम कर रही हैं। तो कम से कम ये दो मखतूते तो अभी महफूज हो जाएंगे। फिर हमने अपने यहाँ के बच्चे जो यहाँ से चले गए हैं तो वो लखनऊ आर्काइव्स में काम कर रहे हैं। इस तरह से ये एक शुरुआत हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कितनी दूर ये काम जाएगा। मैं चाहती हूँ कि 20 फिट की छत है और ज़मीन से लेकर छत तक आर्काइव्स में मखतूतों का ढेर लगा हुआ है। काश कोई दिन ऐसा है वो डिजिटलाइज हो जाएं या कैसे भी वो महफूज हो जाएं, ऐसा मैं चाहती हूँ।
मेरी हैरानी की इंतहा मखतूते को लेकर तब रही जब मैं इलाहाबाद म्यूज़ियम में एक दिन वहाँ गई तो मुझे गालिब का एक ख़त दिखाया गया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे शहर में म्यूज़ियम में गालिब जैसे बड़े शायर का एक ख़त महफूज है। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली, उसकी तस्वीर ली और फिर थोड़ा सा उस पर मैंने काम किया, उसको पब्लिश किया तो मुझे लगा कि मुझे कितना बड़ा ख़जाना मिल गया है और मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी। तो ये हमारी जो कदीम चीज़ें हैं ये दरअसल सुकून कल्ब का भी बाइस हैं। तो हमें ये सोच कर भी मैम आपने जैसा कि जिक्र किया आप यहाँ की म्यूज़ियम में गई और वहाँ पे आपको गालिब का एक नायाब ख़त मिला। इसके अलावा आपने कुछ दिनों पहले अदालती कागज़ों में और जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी आपने विज़िट किया था तो आपके थ्रू ही सोशल मीडिया के बहुत सारे लोगों को पता भी चला कि उर्दू के लेकर भी काफ़ी चीज़ें महफूज हैं और भी फारसी में। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? देखिए शहर इलाहाबाद में एक जगह चौक है, वहीं पर कोतवाली है और वहाँ पर 7 नीम के पेड़ थे जिसमें से एक अभी भी मौजूद है। अच्छा। और 1857 में जून में आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने हजारहा हज़ार लोगों को उन 7 पेड़ों पर फांसी दी गई। तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में बंद किया गया पुलिस के ज़रिए तो उनका रिकॉर्ड तो कचहरी में मौजूद था जो अब आर्काइव्स में आ गया है। तो थोड़ी सी उनकी मालूमात हमें होती है कि उनका नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे। हालांकि वो महल्ले अब नहीं रहे, अंग्रेज़ों ने 8 वो गांव थे जिनको मिसमार कर दिया, कंपनी बाग उस पर बनाया, म्यूज़ियम उसी पर है तो आर्काइव्स भी उसी ज़मीन पर है। तो वो लोग जो बच गए थे वो बाहर के शहर के अंदरूनी महलों में चले गए और उनका कोई नामो निशान यहाँ नहीं रहा, सिविल लाइन्स बसा दिया गया उस अच्छा, पर अच्छा। तो उन लोगों का थोड़ा सा तस्करा जिनका कचहरी में नाम दर्ज था वो नस्तालिख में लिखा हुआ हमारे यहाँ आर्काइव्स में उसकी दस्तावेज़ आई हैं जिनको पढ़ा जा रहा है। तो उनके बारे में बताना और ये जानकर पूरा जिस्म कांप जाता है कि इन लोगों को उन 7 नीम के पेड़ों पर ले जाकर फांसी दी गई है तो ये हमारी आज़ादी की तारीख है बिल्कुल, बिल्कुल जिनके खून से लिखी गई है बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी थोड़ी सी मालूमात हमें यहाँ और इलाहाबाद में ये तारीखी वाकया हुआ और ये भी अपने तो ये बहुत ख़ास है। जी 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 मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में जितना मिल सके मैं पूरी दुनिया को उसे बताऊँ। तो मैम तहकीक के सिलसिले में हम बात कर रहे थे और इतनी कीमती बातें आपने बताई हमारे व्यूवर्स को और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ों की तरफ भी आपने इशारे किए हैं। उम्मीद है हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे और जो आपको इस वक्त रिसर्च स्कॉलर्स सुन रहे हैं चाहे वो उर्दू के हो फारसी के हो या किसी भी ज़ुबान के स्कॉलर्स, तहकीक का काम एक ही जैसा होता है चाहे वो किसी भी ज़ुबान का हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कॉलर्स जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं? मैं स्कॉलर्स और अपने टीचर साथियों को साथ में मिला कर एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चा तो भाई हमारे पास आया है और वो अब काम करेगा, आप उससे कैसे और कैसा काम लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारे असातज़ा हैं, लिहाजा उसे सही राह पर ले जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और इतनी प्यारी बातें और इतनी बेशकीमती बातें। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को और हमारे स्कॉलर्स को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और नए नए उनको आइडियाज़ भी मिले कि हम किस तरह से पढ़ें, तहकीक कैसे करें और मुआजनाती मुताला हम कैसे करें। और आप अगर पढ़ रहे हैं तो दूसरी किताबों को भी किस तरह से हमें पढ़ना और तारीखी चीज़ों पर किस तरह से तवज्जो देने की ज़रूरत है, इन तमाम बातों पर आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर सालिहा रशीद साहिबा को। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया।